इस वक्त जो रेड हो रही है वो सीबीआई की तरफ से की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, पी चिदम्बरम के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। सीबीआई ये छापेमारी कर रही है, अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के ठिकानों पर इस वक्त सीबीआई की रेड चल रही है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर में पी चिदम्बरम शामिल हुए। हाल ही में आपने देखा होगा ज्ञानवापी के सर्वे और तमाम बड़े मुद्दों को लेकर भी उनकी तरफ से बयान दिए गए थे। हालांकि जो छापेमारी हो रही है वो किस मामले में हो रही है सीबीआई की तरफ से, अभी ऐसी कोई जानकारी इन्फॉर्मेशन अभी आनी बाकी है। कितने ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी की जा रही है इसका भी इंतजार है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी है वो ये कि कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम के ठिकानों पर सीबीआई की ये रेड इस वक्त चल रही है। क्या कुछ उसमें बरामद किया गया है इसकी जानकारी अभी सामने आना बाकी है। जो फिलहाल इन्फॉर्मेशन सामने है, जो जानकारी सामने है वो ये है कि चिदम्बरम के ठिकानों पर इस वक्त सीबीआई की एक टीम पहुंची हुई है जो छापेमारी कर रही है। इस छापेमारी से अब तक क्या कुछ निकल कर सामने आया है, क्या तलाश करने की कोशिश कर रही है सीबीआई की टीम, ये जानकारी अभी जुटाने की कोशिश की जा रही है। तो पी चिदम्बरम से जुड़ी ये रेड चल रही है, जिस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये जो रेड हो रही है पी चिदम्बरम की अलग अलग ठिकानों पर, ये किस सिलसिले में हो रही है? देखिए अदिति, सीबीआई ने एक नया मामला दर्ज किया है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो पूर्व गृह मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ ये नया मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि इससे पहले भी एक मामला पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ सीबीआई दर्ज कर चुकी है, लेकिन उस मामले में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। और जो जानकारी मिल रही है कि ये एक नया मामला सीबीआई ने दर्ज किया है और जो बताया जा रहा है कि 2010 से 2014 के बीच में ये कोई पैसों के लेन देन का मामला था जो कि रिश्वत के तौर पर लिया गया था और उसके बाद इन पैसों को भारत से विदेश भेज दिया गया था, यानी कि इनको जो पैसे लिए गए थे उसको शिप ऑन करके विदेश में सेटल किया गया था। इस तरह की जानकारी सीबीआई को मिली है, जिसके बाद ये एक नया केस रजिस्टर किया गया है। और दिल्ली और तमिलनाडु में बताया जा रहा है कि करीब 7 जगहों पर ये छापेमारी की जा रही है। ये छापेमारी पूर्व वित्त मंत्री और गृह मंत्री पी चिदम्बरम के घर पर की जा रही है दिल्ली में, और साथ ही साथ चेन्नई और जो तमिलनाडु में जो दूसरे जगह हैं वहां पर ये छापेमारी की जा रही है। इससे पहले भी क्योंकि सीबीआई ने पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम दोनों जो बाप बेटे हैं, इन दोनों को सीबीआई ने एक पुराने केस में गिरफ्तार किया था, फिलहाल वो जमानत पर है। उन दोनों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। वो जो मामला था वो एयरसेल मैक्सिस से जुड़ा हुआ था, जिसमें कुछ फेवर देने के लिए जो पैसे लिए गए थे उस मामले से जुड़ा हुआ था, जब पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे। लेकिन किस मामले में क्या पूरी जानकारी है, यानी कि जितेंद्र, इस वक्त जो छापेमारी हो रही है उसका पुराने दर्ज हुए मामलों से जो जांच पहले से चल रही है उससे इस जांच का या इस रेड का कोई कनेक्शन नहीं है? देखिए फिलहाल विशाल, उस जो पहले मामला था उससे कोई मामला नहीं है। बताया जा रहा है कि ये एक नया मामला सीबीआई ने दर्ज किया है और उस मामले को दर्ज करने के बाद सीबीआई अपनी ये छापेमारी कर रही है। अमूमन जब भी सीबीआई कोई नया मामला दर्ज करती है तो दर्ज करते जब उसमें लगता है कि उसमें जो एविडेंसेज हैं या उसमें एलिगेशंस जो हैं वो काफी गंभीर लगे हुए हैं, तो मामला दर्ज करते ही सबसे पहले सर्चेज करती है ताकि जितने भी एविडेंसेज हैं उस मामले से जुड़े हुए उनको जुटा लिया जाए। और यही वजह है कि ये जब मामला नया दर्ज किया गया है तो उसके तुरंत बाद ये छापेमारी की गई है। दिल्ली और तमिलनाडु में कुल 7 जगहों पर ये छापेमारी की जा रही है, जिसमें पी चिदम्बरम। जितेंद्र, क्या जानकारी ये भी है कि कार्ति चिदम्बरम से जुड़े हुए जो ठिकाने हैं वहां पर भी रेड हो रही है, या ये दोनों से कॉमन ही है? बिल्कुल विशाल, जो दोनों ठिकाने हैं जिसमें पी चिदम्बरम के का घर है दिल्ली में, इसके अलावा तमिलनाडु में उसका घर है, और उसके बेटे कार्ति चिदम्बरम के जो घर और जो ऑफिस और जो दूसरी ठिकाने हैं वहां पर सीबीआई ये छापेमारी कर रही है। हालांकि ये जो सर्चिज है फिलहाल बताया जा रहा है कि कुल 7 जगहों पर सर्चिज हो रही है, लेकिन ये एक्सपेंड भी हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे एविडेंसेज मिलते हैं और जो कनेक्टिंग प्रीमाइसिस के बारे में पता लगता है कि वहां पर ये हो सकता है कि कुछ और इंफॉर्मेशन मिल जाए एजेंसी को, तो उस हिसाब से वहां पर भी जाकर के ये छापेमारी चल सकती है। जी विशाल। जी जितेंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के अलग अलग ठिकानों पर सीबीआई इस वक्त रेड कर रही है। दिल्ली,
समेत अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी फिलहाल चल रही है।